बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आबिद इस्माइल वीकली मार्केट रैपअप के साथ हाजिर है। वीक से पहले जरा हम मैं चाहूंगा इसको हम शॉर्ट ग्राफ को थोड़ा ले लें, उसका एनालिसिस कर लें। अच्छा, ये जो है ये सब वीकली के हिसाब से मैंने रखा हुआ है ताकि टाइम जो है ना ज्यादा जाया ना हो। ये मैंने CPR, एक तो ये है वीकली पे एक्चुअली है, इसलिए इसमें ज्यादा इसमें स्पेस ज्यादा नजर आ रहा है बीच में, हर हर बैंड के बीच में। तो अगर हम इसको वीकली में देखेंगे तो इतना ज्यादा स्पेस नहीं है। तो चलिए आइए हम इसको पहले देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ये इसको हम देखें तो यहाँ से गैप ओपनिंग हुई थी इसकी ना, ये 12 जुलाई, 15 जुलाई, ठीक है। ये पिछले हफ्ते की बात है, मंडे को जो है वही ऑब्वियसली IMF की खबर आई थी तो इसके जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट लिया था, मार्केट ने यहाँ से अपसाइड मूवमेंट दिखाई। तो एक ये गैप देखो, एक तो ये था गैप तकरीबन, या मैं आपको पहले पहले सबसे पहले मैं आपको जो पैरेलल लाइन जो है ये बता देता हूँ। ये पैरेलल लाइन आती है जहाँ पे ये ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल रे है, तो आपको यहाँ पे ये पैरेलल चैनल नजर आ जाएगा, ठीक है। पैरेलल चैनल अगर आप लेंगे ना, सॉरी अभी से हो गया, ठीक है, आप इसको आप लेंगे तो मैं यहां से शुरू करूंगा क्योंकि इसके यहां से ये पैरेलल इसके जो ट्रेंड लाइन है वो यहीं से शुरू हो रहा था, लेकिन मैं इसको ले रहा हूँ, ये वाली जो येलो कैंडल है इसको इसकी ओपनिंग से ले रहा हूँ, ठीक है। ये इसका चैनल यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाला, ठीक है, ठीक है, ये वाली कैंडल लिए, इसी का पैरेलल लिया। तो यहाँ पे देखें काफी दफा यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जो है एक तरह से मॉर्निंग स्टार डोजी बना हुआ था, लेकिन यहाँ पे ये मार्केट कंसोलिडेट करती रही और ये इसका फिर ये रिजेक्शन एरिया या रेजिस्टेंस एरिया समझ लें। यहाँ पर मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ, ये एरिया जो है ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ रेजिस्ट कर रहा था ये काफी 80,790 के अराउंड, ठीक है। ये शॉर्ट ग्राफ है क्योंकि यहीं से इसकी ओपनिंग हुई थी, ठीक है ना, यहां से ले लेते हैं। चलिए इसको हम ले लेते हैं एक्चुअली ये, ठीक है, यहीं से इसकी गैप ओपनिंग हुई थी, यही इसका सपोर्ट एरिया बन गया था, लेकिन इसके ब्रीच होते ही ये इसका रेजिस्टेंस एरिया इस वक्त ऑन शॉर्ट ग्राफ में आपसे बता रहा हूँ। वीकली अभी बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले मैं आपको बता दूं। अच्छा, इसमें भी देखें यही यहां से मैंने इसका लिया है और इसी के पैरेलल चलती रही है। तो ये एक ट्रेंड लाइन थी, अपर साइड पे बैंड, अपर बैंड था ये और ये लोअर बैंड है। इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ, ये ठीक है। तो अब इस पर इसको भी जाहिर सी बात है पहले भी ये सपोर्ट एरिया था, ये जो अगर हम देखें डायगोनली तो ये सपोर्ट एरिया था, ठीक है ना। ये अगर हम देख लें ये वाला 80,100, 80,300 से लेके और ये वाला एरिया जो है 80,000 तक, 80,080 तक, ठीक है। यहां से मैं इसको भी मैं जो कि अब मैं ज्यादा से रेड दूंगा एरिया, क्योंकि ये तकरीबन समझे ऑलमोस्ट ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि इसकी क्लोजिंग भी तकरीबन 80,100 और ये 80,072 है, तो इतना ज्यादा फर्क नहीं है। तो अभी इस वक्त जो है इसके ऊपर सस्टेन करना बहुत जरूरी है, 80,700 या 80,800 इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करती है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा हमारा 80,300, ठीक है, और जो ये सपोर्ट एरिया बनता हुआ नजर आ रहा था 41,400, 80,300 से 41,400 ये वाला एरिया जो है ये एरिया, ठीक है। मैं यहाँ पर भी अपर साइड पे जो मैक्सिमम ये आपको बता देता हूँ ये वाला एरिया, ठीक है, 80,600 तक ये इसका सपोर्ट एरिया था। यहाँ पे इसने कि फिर ये किए हैमर डोजी बनाया और हैमर डोजी के बाद जो है, बल्कि इसको हम शूटिंग स्टार भी कह सकते हैं, हैमर डोजी भी कह सकते हैं, शूटिंग स्टार भी कह सकते हैं, ठीक है, सॉरी हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन भी होता है। हैंगिंग मैन में होता है कि ये एक छोटा सा डॉट होता है उस पर, और हैमर में होता है थोड़ा सा लंबी लाइन होती है तो उसको भी हैमर कहते हैं। और इसको अगर ये लंबी लाइन बिल्कुल ही ऊपर हो अपर साइड पे ज्यादा, तो इसको जिस तरह साजगार में हुआ था ड्रैगन फ्लाई डोजी, तो ये अपर साइड पे जो है ये थोड़ा
बेरिश सिग्नल दे रहा होता है, क्योंकि आरएसआई भी हम देखें इस वक्त कितना हो गया था, 72 पे आ गया था शॉर्ट ग्राफ पे यहाँ पे, ठीक है। और इसका जो सीपीआर का जो लेवल था वो था 81,800 के करीब, तो इसने फिर हाई किया तकरीबन 81,900। लेकिन देखें यहाँ पे रिजेक्शन हमने विटनेस की अच्छी खास, यहाँ पे रिजेक्शन विटनेस की, फिर ये रिजेक्शन आई, फिर सेकेंड टाइम जो है फिर यह डोजी बना और यहाँ पर बाहर तो एक्टिवेट हुए, पुश करके मार्केट को ले गए ऊपर, लेकिन यहाँ पे फिर हमने सेलिंग, जो मेरा सीपीआर का लेवल है 81,800 के अराउंड, यहाँ पे देखे मार्केट यहाँ से फिर वापस रिवर्स बैक हो गई, डाउन साइड की तरफ आ गई। और एक वक्त ऐसा हुआ कि ये जो सपोर्ट लेवल था 80,000, तकरीबन 80,000 के करीबी था, तो यहाँ पे इसको भी ब्रेक किया और लो किया तकरीबन 79,812 का, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझा दिया। अभी भी इस वक्त जो है ये वाला लेवल, इसका लोअर बैंड देखें तो 79,625, ये यहाँ पे ये कोई विक बन सकती है, कोई डोजी बन सकता है इधर, ठीक है। इस एरिया के हिसाब से अगर हम देखें, ये वाला ये एक सपोर्ट एरिया, यहाँ पे मैं ग्रीन दे देता हूँ, ठीक है। ये मैं आवली भी बता रहा हूँ शॉर्ट ग्राफ में, जो कि मिडिल, ऑब्वियसली ये इसका मिडिल बैंड है, तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि ड्यूरिंग द वीक जो है वो ये भी रिटेस्ट हो सकता है, यहाँ पे कोई विक बन सकती है, वो बन सकती है, यहाँ पर भी, इवन यहाँ पर भी विक बन सकती है 77,400 के अराउंड, और 77,900 के अराउंड जो है ये कि इसका लोअर बैंड है वीक पे, तो ड्यूरिंग द वीक, जाहिर सी बात अभी रोल ओवर वीक शुरू हो रहा है तो वॉलेटिलिटी काफी होगी, सेलिंग भी हम विटनेस करेंगे, अच्छा साथ ही साथ रिजल्ट सीजन भी चल रहा है, हाफ ईयर है किसी का फुल ईयर है, मोस्टली जो स्टॉक्स है उनका हाफ ईयर है और फुल ईयर है। तो अभी इस वक्त वीकली पे अगर हम नजर डालें तो वीकली पे सबसे पहले तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया था समझाने के लिए कि ये कि पैरेलल अगर हम ड्रॉ करें तो जिस तरह यहाँ पे भी देखेंगे, एक ये इसके नीचे एक बुलिश कैंडल बनी थी लेकिन अभी एक बेरिश कैंडल बनी है, तो कोई उस पर जरूरी नहीं है कि बेरिश बने तो और नीचे आएगा, लेकिन इसकी कंफर्मेशन बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे इसकी कंफर्मेशन भी बुलिश की अपर, अगर इसकी कंफर्मेशन मिलती है किसी बेरिश कैंडल के साथ तो फिर ये मार्केट डाउन साइड की तरफ जाती रहेगी। तो ये मैंने आपको आवली चार्ट पे बता दिया, लेकिन ये इसका जो है एक तरह से ये चैनल चल रहा है अप डायगोनली, तो इसका जो चैनल का जो लोअर बैंड है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया 79,600 के अराउंड, 600-500 ये जो है एरिया, और इवन अगर हम हॉरिजॉन्टली देखें तो 78,600, ठीक है। तो अगर हम इस तरह से समझ लें कि 1,000 पॉइंट का बीच में यहाँ पे एरिया ऑफ वैल्यू आ रहा है ऑन शॉर्ट ग्राफ, ठीक है, ये वाला है देख ले एरिया, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ एरिया ऑफ वैल्यू इधर, तो ये एक अच्छा एरिया है बाइंग अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे रिस्क लेना चाहिए विद स्टॉप लॉस, हमेशा याद रखें स्टॉप लॉस जरूर ट्रेल करते हुए चलें, ठीक है। अच्छा अब इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, अभी उम्मीद है समझ गए होंगे ये, ठीक है। और इसको मैं रहने देता हूँ ये तीन लाइनें जो है, क्योंकि वीकली पे सब जाने के लिए आपको ये लाइन जो है बताना जरूरी है, और ये मैं रिमूव कर देता हूँ, ये आपको आवली पे थी सारी लाइनें, ये मैंने समझा दी, ये वैसे चले ये वीकली पे ये काम आ जाएगा, ये जो है ना ये समझे एक तरह से मिडिल बैंड के ऊपर का एक शॉर्ट ग्राफ पे ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री आ गई हमारे पास, यहाँ पे अगर हम देख लें तो ये ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री हमारे पास आ गई है। तो अब अगर हम देखें शॉर्ट ग्राफ पे तो ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री है वो तकरीबन बिटवीन 80,072 या 80,100 जिस जहाँ मार्केट क्लोज हुई है वो तकरीबन वही इसका ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री है, और 80,700 ये ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री है, और एरिया वैल्यू जो है वो बिटवीन 79,600 एंड 78,600 ये इसका एरिया ऑफ वैल्यू है, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया है। अच्छा अब आ जाए वीकली पे, यहाँ पे जैसे कोई वीक बन सकती है तो इसलिए मैंने यहाँ रेड लाइन दी हुई है 82,600 300 400 500 यहाँ इसको, ये रिजेक्शन वाला एरिया है,
याद रखिएगा, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, उसकी कंफर्मेशन होगी तो फिर मार्केट ऊपर जाएगी, और वो एरिया है 82,400 या 360 है, तो मैंने राउंड फिगर में 82,300 से लेके 500-600, ये 200-300 पॉइंट का यहाँ पे ये विक बन सकता है। जैसे यहाँ पे देखें कैसी कैसी विक बनी थी यहाँ पे इतनी बड़ी, ठीक है, तो ये भी अच्छे खासे पॉइंट की विक थी ये। तो जैसे ये मैंने 80,000 दिया हुआ है, 700 तो 81,700 हजार पॉइंट की यहाँ पे विक बनी है। तो ये विक जो है यहाँ पर भी कोई ऐसी विक बन सकती है कि यहाँ इसको क्रॉस करती हुई ऊपर चली जाए 200-300 पॉइंट और मजीद ऊपर। तो ये आप समझ लें 82,400, 500, 600 ये जो है यहाँ पे ये रिजेक्शन एरिया है, ठीक है, डेली क्लोजिंग पे, क्लोजिंग में बता रहा हूँ मैं इसको ये, और वीकली पे भी ऑब्वियसली यही होगा। अगर डेली पे भी ये तो सस्टेन करता है तो मजीद अपसाइड ऊपर जाती है, तो फिर इसका आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो यही, ये बाइंग एरिया होगा, स्टॉप लॉस जो है 81,700 या 81,800 के नीचे होगा। मैं डेली पे बताता रहा हूँ, वीकली पे तो ये स्टॉप लॉस जो है ये यह होगा 77,900 का है एक्चुअली, लेकिन इसका हम लो अपर बैंड ही लेंगे, ये इसका स्टॉप लॉस एरिया होगा, ये इसका बाइंग। अगर इसकी ब्रेकआउट होने के बाद याद रखिएगा पूरी बुलिश कैंडल बनती है इसके ऊपर, और इसके ऊपर कोई दूसरी कैंडल उस पर आप एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस आपका होगा 81,700 या 81,800 का, ये इसका स्टॉप लॉस होगा। ये मैंने आपको डेली के हिसाब से बता दिया, और डेली के हिसाब से, आवली के हिसाब से एरिया वैल्यू और ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री भी आपके सामने आ गई है। ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, 80,072 से लेके 80,724 तक है, उसमें आप राउंड फिगर ले लीजिएगा, प्लस माइनस 100-200 ये हो सकता है, ठीक है। एरिया ऑफ वैल्यू जो है वो बिल्कुल 79,600 से लेके 78,600, कितनी बड़ी विक बनी है, तो ये इसके बीच में भी कोई ये विक बन सकती है, यहाँ पे क्लोजिंग आ सकती है। तो यहाँ पे ये इन बिटवीन ये जो हजार पॉइंट है 79,600 to 78,600 यहाँ बाइंग बनती है, ठीक है। बाकी वीकली पे फिर इसका लोअर बैंड है 77,900, ठीक है, ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, ठीक है। और जैसे जैसे कहते हैं ना ब्रेक करते हैं तो लोग फिर पैनिक सेलिंग में आ जाते हैं, शॉर्ट सेलर भी एक्टिवेट हो जाते हैं, तो अब उस वक्त एक्टिवेट नहीं होना है आपने, ज्यादा पैनिक सेलिंग नहीं करनी है इस एरिया में, देखना है कि यहाँ विक बन के वापस कोई क्लोजिंग आती है तो मार्केट फिर अपसाइड मूवमेंट दिखाएगी। ये एरिया जो है ये स्टॉप लॉस एरिया है 77,400-77,300, इसके नीचे मार्केट क्लोज होती है तो स्टॉप लॉस लगा के अगर हिट हो जाता है तो फिर साइडलाइन हो जाए, फिर देखें मार्केट कहाँ इसको सस्टेन करती है। वैसे एक्चुअली एक यहाँ पर भी 76,000 का है, तो आप जो है या फिर दोबारा एंट्री ले सकते हैं, कोई आपने स्टॉक ऊपर बेचा हो और आपको वो 3-4 रुपए नीचे मिल रहा हो या 7 और 8 रुपए नीचे मिल रहा हो, तो आप यहाँ ले सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ, अगेन तो आपको काफी कम पैसों में मिलता है। लेकिन मेरा मशवरा यही है कि ये जो है एरिया अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो यहाँ पे रिस्क ना ले तो ज्यादा अच्छा है, थोड़ा फिर वेट करें मार्केट का, क्योंकि इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं जैसे MA5 है ना, ये जो लॉन्गर टाइम फ्रेम पे ये अच्छा काम करता है, हायर टाइम फ्रेम पे, तो ये इसको ब्रीच कर चुका होगा, जब ये यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल बनेगी तो ये एरिया को ब्रीच कर चुका होगा, ठीक है। वो एक्चुअली ये अगर मैं देखूं तो वो एरिया तकरीबन बन रहा है 79,500 का, ये एरिया, ठीक है, ये इसको ब्रीच कर चुका होगा, तो फिर अगर आप दोबारा इसके ऊपर कोई सस्टेन करता है तो फिर आपने इसको एंट्री लेनी है, अदरवाइज स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो फिर, या फिर इसका नीचे बॉटम देखें क्या डबल बॉटम इसमें, जैसे यहाँ पे एक बॉटम लग रहा है, फिर इसका वेट करें 72,600 का, यहाँ पे ये एक बॉटम है और इसका जो ये एरिया नेकलाइन सपोर्ट है ये इसकी 73,700, एटलीस्ट यहाँ का वेट करें, ठीक है ना। अगर ये भी ब्रीच होता है तो मार्केट और मजीद नीचे जा सकती है, तो ये एक अभी फिलहाल जो है मेंटेन किया हुआ है, जो जिसको मैं लाइटर नोट पे जो है रेलवे ट्रैक या रेलवे लाइन बोलता हूँ, MA5। ये देखें हायर टाइम फ्रेम पे, जो नए आले वो भी देख लें कि ये हायर टाइम फ्रेम में कितना अच्छा काम करता है। देखें यहाँ इसको ब्रीच किया था, ठीक है, ये वाला बहुत बड़ी बेरिश कैंडल बनी थी, लेकिन इसी को एनगल्फ किया बुलिश कैंडल ने और मार्केट फिर अपसाइड मूवमेंट अब तक बरकरार रखा हुआ है मार्केट ने। तो आगे भी खबरें IMF के हवाले से मैंने आपको बताया और मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से खबरें अच्छी है, लेकिन अभी जिस तरह मैंने अभी बताया रोल ओवर वीक है, तो प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे हम देख रहे हैं, और फिर अगेन मैं आपको बोलूंगा जरा अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, कुछ हो गया है, तो फ्राइडे तक का वेट कर लें, फ्राइडे के बाद फिर एंट्री लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।